हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज के डेट में दूषित पानी की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 72% पानी से बना हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, लेकिन हमेशा शुद्ध और स्वच्छ पानी का ही सेवन करना चाहिए। इससे हमारे शरीर की लगभग सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। अशुद्ध पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। दोस्तों, इससे हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर हम शुद्ध और स्वच्छ पानी का सेवन करते हैं तो इससे 99% हमें परेशानियों से छुटकारा मिलता है और हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप सबको बताती हूँ कि अशुद्ध पानी को कैसे घरेलू उपाय से स्वच्छ और साफ कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप बस तुलसी के पत्तों से अशुद्ध पानी को साफ और स्वच्छ कर सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तुलसी को आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का नाम दिया गया है। इससे हमें लगभग सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और तुलसी हर घर में बहुत ही आसानी से पाई जाती है। दोस्तों, आप तुलसी के पत्तों से अशुद्ध पानी को साफ कर सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्तों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इससे हम छोटे मोटे परेशानियों से बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम तुलसी के पत्तों का रोजाना सेवन करते हैं तो इससे हम बहुत सारी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तुलसी के पत्तों के इस्तेमाल से आप अशुद्ध पानी को साफ और स्वच्छ बना सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होता है। दोस्तों, तुलसी एक नेचुरल वाटर प्योरीफायर के नाम से जाना जाता है। आप जानते ही हैं कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो हम अपने भोजन में तुलसी का पत्ता डालते हैं ताकि हमारा भोजन दूषित ना हो। दोस्तों, तुलसी का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन शैली में। मृत व्यक्ति के पास भी तुलसी के पत्तों को रखा जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को अगर आप पानी में डालते हैं तो इससे आपके पानी के सारे विषैले जीवाणु खत्म हो जाते हैं, जिससे पानी शुद्ध और साफ हो जाता है। 4 लीटर पानी में कम से कम तुलसी की साफ पत्तियां 25 से 30 डालने से पानी शुद्ध हो जाता है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, जिस घर में या जहां भी तुलसी का पौधा होता है वहां से करीब 600 फुट तक हवा साफ हो जाती है, वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं आती। दोस्तों, तुलसी के पत्तों के सेवन से मलेरिया जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर आप तुलसी के पत्तों का निरंतर सेवन करते हैं तो इससे आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। ये हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स को खत्म कर देता है, जिससे हमें कैंसर का खतरा नहीं रहता। खारे पानी में अगर आप तुलसी का पत्ता डालते हैं तो ये कुछ ही देर में मीठे पानी में बदल जाता है। दोस्तों, खारे पानी को डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आप मिट्टी के बर्तन में रखकर कुछ देर बाद ही इसका इस्तेमाल करें या फिर आप इसे उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में नहर का पानी सीधा आता है तो इसके लिए आपको कोई भी प्योरीफायर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप किसी भी पानी को कोयले से छानकर पीते हैं तो ये पानी भी शुद्ध और साफ रहता है। इसमें सारे विषैले कीटाणु खत्म हो जाते हैं। कोयले की वजह से पानी शुद्ध और साफ होता है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, अगर बच्चों को
पेट में कृमि की समस्या है तो इसके लिए आप अजवाइन और काला नमक को भूनकर अच्छी तरह पाउडर बना लें। इसके बाद बच्चे को रोजाना गुनगुने पानी के साथ इस पाउडर का इस्तेमाल कराएं। बच्चे की पेट की कृमि खत्म हो जाएगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बड़े लोग भी कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे आप घरेलू नुस्खों से पानी को शुद्ध और साफ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही इन घरेलू उपायों को इस्तेमाल करके पानी को शुद्ध और साफ करेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।